नमस्कार, आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय न्यूज चैनल रंगीलो झुंझुनू। आज हम बात करने वाले हैं वीर धराज झुंझुनू के पूर्व सैनिकों के बारे में। आप सभी को पता है कि झुंझुनू जिला सैनिकों का जिला कहा जाता है और यहाँ के पूर्व सैनिक हैं वो भी कोरोना जैसी इस विषम परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। ऐसी एक मिसाल कायम की है मंडावा ब्लॉक के जब्बासर ग्राम पंचायत के पूर्व सैनिकों की टीम ने। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रांत अध्यक्ष कैलाश सूरा ने बताया कि उनके संगठन ने आपस में विचार विमर्श कर आयुष अधिकारी डॉक्टर संजय इंदौरिया की उपस्थिति में तथा उनके स्टाफ के साथ घर घर जाकर आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण का काम किया जा रहा है। आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण खुद के संसाधनों से व सरकारी गाइडलाइन की पालना के साथ किया जा रहा है, जिससे औषधालय पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना हो और सभी को इस औषधि का सही लाभ मिल सके। पिछले कई दिनों से पूर्व सैनिक अपनी पंचायत के ग्राम जाबासर और जवाहरपुरा में इस आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण कर रहे हैं। मैं प्रांत उपाध्यक्ष कैलाश सूरा, पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजस्थान एवं गौरव सेनानी शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजपाल जी फोगाट व हमारी टीम ने पिछले 3-4 रोज से एक विचार विमर्श चल रहा था। ग्राम पंचायत जाबासर के पूर्व सैनिकों ने मिलकर एक बीड़ा उठाया कि पंचायत के मुख्यालय पर स्थित आयुर्वेदिक औषधालय में तैयार किए हुए काढ़े को पूरी पंचायत में घर घर जाकर पिलाया जाए, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो और औषधालय पर अनावश्यक भीड़ ना हो और स्टाफ को भी परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। अतः हमारे पूर्व सैनिकों की इस टीम ने अपने संसाधनों से घर घर जाकर पूरी पंचायत में काढ़े का वितरण किया है। मैं नए सुधार इकरार अहमद साहब और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।